हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज पूरे दिन, फुल डे, वो क्या फील कर रहे थे और आज देर रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये दोनों रीडिंग हम मिक्स करके कर रहे हैं, मिक्सअप। सो यस, आज जो है ना, हम मिक्सअप जो है ना एनर्जी कर रहे हैं, यानी कि टैरो रीडिंग भी आज हम इसमें कवर करेंगे। टैरो का रीडिंग भी करूँगी, पहले हम कैंडल वैक्स करेंगे। ये कैंडल जितनी देर चलेगी उतनी देर हम कैंडल वैक्स करेंगे और इसके बाद हम टैरो कार्ड करेंगे। कैंडल वैक्स के बाद टैरो कार्ड करेंगे, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें टैरो से काफ़ी क्लियर पता चल जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कैंडल से ज़्यादा पता चल जाती हैं। तो यहाँ की आज की एनर्जी से, आज की इस रीडिंग से ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर, ठीक है? तो चलिए, आज इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ, जो कि होगा ये कि देखिए, यहाँ की जो एनर्जीज है ना, वो काफ़ी क्लियर वे में मैं आपको बताऊँगी, काफ़ी क्लियर वे में बताऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई, आपके और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हो, रिलेशनशिप अच्छा हो, इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए और इसके लिए आप ट्राई करोगे भी, ठीक है? तो यहाँ की एनर्जी जो भी होगी मैं आपको बताऊँगी। फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर, अपनी एनर्जीज के ऊपर, जो भी चीज़ें होंगी आपको क्लियर वे में पता चले, इसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए, अपनी एनर्जी को मेरे साथ मर्ज करने के लिए, ठीक है? तो चलिए, बिना किसी देरी के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, हमने इस एनर्जी को रीड करना है। तो चलिए देखते हैं आप क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन आज पूरे दिन क्या फील कर रहे थे, सबसे पहले ये हम देख रहे हैं। आपके पर्सन के मन में ना, आपके लिए आज पूरा क्या चल रहा था आपको पता है? पूरे दिन ये पर्सन के मन में ये चल रहा था कि उससे बात की तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, आपसे बात की आपके पर्सन को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, ठीक है? और काफ़ी लंबा टाइम होने के बाद आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन कैसे बात करे, क्योंकि आपसे जो पहली बातें हुई थी, जैसी बातें हुई थी, जो बातें आप दोनों ने करी थी, वो बहुत अलग थी। आपके पर्सन को आपसे बात करना बहुत 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 पसंद आता है, बहुत पसंद आता है, क्योंकि आप इनका जो माइंड है वो फ्रेश कर देते थे या कर देती थी। आप इनको हंसा देते थे, आप इनको वो खुशी दे देते थे, आप इनके मायूस चेहरे को जब देखते थे तो इनको आपको हंसाना ही हंसाना होता था, और हंसने से हमारे एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस कम होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन उस वजह से भी कहीं आपको बहुत मिस कर रहे थे आज। आपके पर्सन जब भी देखते हैं ना आपको, आपको कहीं ना कहीं ऐसा विजुअलाइज कर लेते हैं ना, जैसे कि आप इनके पुराने कोई पर्सन, मतलब एक सोल कनेक्शन, कुछ ऐसा सोल कनेक्शन, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप दोनों के बीच में हैं। सोल कनेक्शन, काफ़ी स्ट्रांग सोल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रांग सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं, आपके पर्सन आपकी आंखों को बिल्कुल बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे थे आज।
आज पूरे दिन आपकी आंखों के बारे में आपका जो देखना है, जिस अंदाज से आप देखते हो, है ना, वो अंदाज आपके पर्सन को काफी पसंद आता है। और ये पर्सन ना वैसे ही आपको देख रहे हैं कि मतलब आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं, कितने खूबसूरत हो आप कितने पॉजिटिव पर्सन हो, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो कितनी नेक्स्ट लेवल की है। बहुत अच्छा, आपके पर्सन नेक्स्ट लेवल की फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए, नेक्स्ट लेवल का। ये पर्सन की फीलिंग्स में ये भी फील हो रहा है कि जैसे कि आपने जब इनका पहली बार अगर हाथ थामा था ना, जब आप दोनों ऐसे मिले होंगे और पहली बार जब आपने इनका हाथ थामा था, वो एहसास ही बहुत अलग था, वो एहसास ही बहुत अलग था। ये पर्सन के मन में चल रहा है, ये पर्सन का जो पूरा दिन रहा है ना, इन्हीं सारी यादों में रहा है। आपने जब पहली बार किस किया इनको, पहली बार इनका माथा चूमा, आपके पर्सन के अंदर वो जो शरीर में गनगनाहट होती है ना, आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में वो आई थी। मतलब शरीर पूरा गनगना सा गया था। आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि यार वो पुराने दिन कैसे थे, हमारी पहली मुलाकात कैसी थी, पहली मुलाकात की पहली बारिश हर किसी को याद होती है। आपके पर्सन के अंदर मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन कुछ इस तरीके के रोमांटिक पर्सन हैं कि आपसे बहुत सारी चीज़ें ना कनेक्ट करना चाह रहे हैं। शायद अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन फील कर रहे हैं, ये पर्सन का ऐसा सोचना है कि चलो ठीक है, अभी हम टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, आने वाले टाइम में हम ज़रूर एक दूसरे को टाइम देंगे, हम एक दूसरे को ज़रूर फील करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे ज़रूर। पूरा स्ट्रैटेजी ये पर्सन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आज, पूरा स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि हाँ हम ऐसे मिलेंगे, हम वैसे मिलेंगे, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, हमारी ऐसी बातें होंगी, वैसी बातें होंगी, हम ये से कनेक्ट करेंगे, वैसे कनेक्ट करेंगे। होता है ना, फुल फुल रोमांटिक, है ना, आपके पर्सन फुल रोमांटिक वे में जो है ना यहाँ पे दिख रहे हैं, फुल रोमांटिक, फुल्ली रोमांटिक, आपके पर्सन फुल्ली रोमांटिक हैं। ये पर्सन विजुअलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पर्सन आपके साथ कैसे अपने जो अपना जो टाइम है ना वो स्पेंड कर रहे हैं आपके साथ, जैसे आपके साथ कैसा टाइम रहा, कैसा टाइम होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे की बाहों में होंगे, एक दूसरे के हाथ को थामे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे, जहाँ भी ये पर्सन के जाने की इच्छा है ना, ये पर्सन वहाँ पे आपको विजुअलाइज कर रहे हैं। ये पर्सन पूरे दिन, इस पर्सन का यही ड्रामा दिख रहा है मुझे, पूरा दिन जो है ना रोमांटिक 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 जो चीज़ें हैं ना वो इनके साथ रही हैं। ये पर्सन किसी रेस्टोरेंट में आपके साथ जाना चाह रहे हैं, जैसे डिनर पे कैंडल लाइट डिनर हो गया, या लग रहा है जैसे कि कैंडल लाइट डिनर कर लिया तो अब जो है ना एक होता है ना जैसे कि एकदम से अपनेपन सा बैठना, एक लगता है ना जैसे कि अब जो है ना रिश्ते को हाइड करके नहीं रखना है, अब पूरी दुनिया के सामने दिखाई देना है कि भाई मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और ये मेरे साथ रिलेशनशिप में है, बस और कुछ नहीं। फुल्ली दिख रहा है कि रोमांटिक रोमांटिक रोमांटिक, पूरा रोमांटिक ये पर्सन हो रहे हैं, पूरा का पूरा रोमांटिक सिचुएशन ये पर्सन क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, आपके पर्सन के मन में चल रहे हैं भाई, दिख रहा है कि ये पर्सन के मन में है वो सब कुछ। ये पर्सन विजुअलाइज कर रहे हैं कि कहीं सागर किनारे दिल ये पुकारे, है ना
तो सागर किनारे भी मुझे लगता है ना कि आपके पर्सन के जाने की इच्छा है कि सागर किनारे आप देर रात बैठे रहे या देर शाम तक बैठे रहे और एक दूसरे से एकदम एक दूसरे से नज़र ही नहीं हट रही हो। ऐसा ये पर्सन की फीलिंग्स ही ऐसी हैं, मतलब लग रहा है जैसे कि विजुअलाइजेशन में इतने डूब चुके हैं ना कि ये हर एक सिचुएशन को विजुअलाइज कर रहे हैं। ये पर्सन कंफ्यूजन में भी है कि ये पर्सन जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे ये पर्सन, पहाड़ों पे जाएंगे घूमने या आपको किसी क्रूज पे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे आपके पर्सन। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि भाई मैं कहाँ लेके जाऊँ उसको। लगता है जैसे कि ये पर्सन स्ट्रैटेजी जो प्लान कर रहे हैं ना उसी के तहत ये पर्सन प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ ये पर्सन कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे। ये पर्सन आपसे एकदम से जैसे होता है ना कि लिपट के बातें करना चाहता है, लिपट के, ठीक है, लिपट की एनर्जी, लिपटने की एनर्जी आ रही है, लिपट के बातें करना चाहते हैं। और ये पर्सन लिपट के जो है ना बातें करके एक होता है ना जैसे कि आपके साथ जो टाइम है वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, लिपट के बातें करना और लिपट के सारी चीज़ों को देखना। होता है ना जैसे कि एहसास हमें हो जाता है कभी कभी, होता है ना इंसान को एहसास होता है कि उसके होने का एहसास, उसके ना होने का एहसास, ठीक है। तो ये सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है गाइस। हो सकता है कि आज आपके पर्सन का कॉल आ जाए क्योंकि आज मैं जब भी रीडिंग कर रही हूँ ना एक कॉल आ ही जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो रिश्ते हैं ये रिश्ते काफ़ी ये हो चुके हैं, मतलब रिश्ता जो है ना जैसे कि डिस्टर्बिंग चल रहा है, डिस्टर्ब हो चुका है, रिश्ते में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, लग रहा है जैसे कि अब आपके पर्सन को ये रिश्ता बहुत सक्सेसफुल बनाना है, बहुत अच्छा करना है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे। ये पर्सन आज रात की भी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको कॉल करेंगे तो कैसी बातें करेंगे, क्या जो है आपको इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ ये पर्सन कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है ना आज ये पर्सन की फीलिंग्स में है, बहुत अलग सी फीलिंग्स है ना आज की। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपके साथ जैसा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ना, खुल के बातें करना चाहते हैं कि आज रात में हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा यहाँ पे टाइम जाएगा, वहाँ पे टाइम जाएगा, ये फुल फुल जो है ना बातें कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि एकदम अपने माइंड में ना हर एक चीज़ जो है ना, ये पर्सन अगर आपको देर रात कॉल करते हैं तो बाबू, सोना या जो भी है आपका कोई निकनेम रखा होगा इस पर्सन ने, तो वो आपके पर्सन आपको उस नेम से बुलाना चाह रहे हैं। ये पर्सन कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ पुरानी यादें, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कुछ इनके लिए जो किया हो है ना, जो किया था आपने इनके लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये पर्सन याद कर रहे हैं। जैसे स्पेशल कुछ किया था आपने, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की या कोई सरप्राइज गिफ्ट दिया है ना, वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई ये पर्सन को वो फील हो रहा है, ये पर्सन को वो याद आ रहा है कि हाँ यार ऐसा रहा, वैसा रहा, ये रहा, वो रहा, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, प्यार की दुनिया याद करेगी, आपके पर्सन के मन में यही है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों का कनेक्शन ना नेक्स्ट लेवल पे आपके पर्सन को लेके जाना है, ये हो ना हो, ये हो ना हो, ये बहुत कुछ करने वाले हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ना कि देखिए ये जो पर्सन है ना आपके, ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आप दोनों पहली बार मिले थे, एक होता ना कि जैसे कि हमें फील होने लगता है कि हम इससे मिले हैं तो मेरा सदियों से है तुझसे नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, है ना, ये सॉन्ग सुना है ना आपने,
आपके पर्सन की फीलिंग्स में है। आपकी पर्सन की फीलिंग्स में है, ये पर्सन की फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन को लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं उससे मिल रहा हूँ या मैंने उसको देखा है तो कुछ ना कुछ तो है, हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए हैं ना, कुछ ना कुछ तो बातें हुई हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं ना, जो लगता है कि जैसे कि नहीं, ये मेरे से बहुत 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 टाइम से कनेक्ट है, अब मैं इससे दूर नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। आपके पर्सन के मन में है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन ने जब पहली बार आपको देखा था तो जैसे होता है ना कि जैसे कि मुझे जीने का सहारा मिल गया, ऐसा मुझे दिख रहा है, जैसे जैसे कि होप होती है ना, कि होप दिखाई देने लगती है कि हाँ यार दुनिया इतनी भी खूबसूरत होती है ना। तो निस्वार्थ भाव से आपने जो प्रेम किया इस पर्सन से, आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है, वो फील हो रहा है आपके पर्सन को। ये पर्सन आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस पर्सन ने ना आपके लिए बहुत चीज़ें ऐसी भी करी हैं जो शायद इनके हाथ में नहीं थी, बट फिर भी कुछ अलग करने का ट्राई किया इस पर्सन ने, कुछ अलग जो है ना इस पर्सन ने ट्राई तो किया ना आपके लिए। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपको सेक्सुअली मतलब टच करने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, मतलब टच करना, आपको किस करना, आपको बाहों में मतलब रहना, है ना, मतलब लग रहा है जैसे कि कुछ है अलग सा फील, है ना। तो वो दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन बातें करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बातें करना चाहते हैं आपसे। देखो देर रात ये पर्सन का कॉल आ सकता है, क्योंकि ये बार बार चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं मुझे कि ये पर्सन देर रात ही ये सारी चीज़ें बात करना चाहते हैं। ये पर्सन हर किसी से जो है ना कुछ बातें हैं जो हर किसी से नहीं कर सकते हैं, तो ये पर्सन आपके साथ कंफर्ट फील करते हैं, कंफर्ट जोन फील होता है इस पर्सन को, कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ वैसी बातें करे या आपके साथ वो चीज़ें करे, आपके लिए जो है ना वो चीज़ें करे, ऐसी फीलिंग्स हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना वो बड़ा अजीब लगता है किसी से खुल के बातें करने में, बट वहीं आपकी बारी आए तो इस पर्सन को कुछ अजीब नहीं लगता है, लगता है कि ये मेरा ही तो है, ये मेरी ही तो है, इसे बात करने में क्यों अजीब फील करना, इसे बात करने में क्यों ऐसा अधूरापन फील करना, ये तो मेरी है या मेरा है तो मैं इसे खुल के बातें कर सकता हूँ, ये एक कम्फर्ट जोन आपके पर्सन को फील होता है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी जोक्स भी मारते हैं, है ना, जोक्स भी मारते हैं आपको भी हंसाने के लिए ना, ये पर्सन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई दोनों तरफ से ही एफर्ट है, और आपके पर्सन ये सारी बातें फिर से ताज़ा कर देना चाहते हैं आपको, जैसे होता है ना कि यार अब जो है ना बहुत हो गया, अब जो है ना हम फिर से उसी तरीके के रिलेशनशिप में आते हैं जिस तरीके से पहले थे। तो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम जो है ना बिताना चाहते हैं, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ अलग अलग तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पर्सन के मन में आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो ये पर्सन कभी खुल के नहीं बताते हैं, लेकिन आज की रात अगर कॉल आ गया ना, ये पर्सन आपको बताएंगे कि ये पर्सन क्या क्या करना चाहते हैं आपके साथ, किस तरीके का कनेक्शन जो है ना ये पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक होता है ना कि फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड ज़्यादा बातें करना इस पर्सन को पसंद है, और आपके पर्सन पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन की फीलिंग्स में ये भी है कि जैसे कि ये पर्सन हमेशा आपको कॉल नहीं कर
कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूल गए हैं या भूलना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये पर्सन के मन में ये है कि हाँ, ये पर्सन को लगता है कि आपसे बातें करनी है तो मीठी 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 ही बातें करनी होगी। जैसे कि देखो, आपको भी पसंद है कि पर्सन आपके माथे को चूमे, है ना, आपको किस करे। एक होता है ना, जैसे कि हमें किसी का एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, अटेंशन अटेंशन सीकर मुझे दिख रहा है कि आपको अटेंशन चाहिए भाई, आपको अटेंशन नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन समझते हैं कि आपको अटेंशन चाहिए और आप इस पर्सन के अटेंशन के लिए बहुत कुछ चीज़ें करते हो। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आपके पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हर एक दिन कम से कम 1 से 2 घंटे तो ये पर्सन बात करना चाहते हैं, एकदम हर एक दिन ये पर्सन 1 से 2 घंटे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन अगर आपसे कहीं दूर चले गए हैं, यानी कि फिजिकली दूर चले गए हैं, ये पर्सन के मन में ऐसा है कि देखो, हम दोनों रोज़ रोज़ तो नहीं मिल सकते हैं, ठीक है, हम दोनों का रोज़ रोज़ मिलना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, हम फ़ोन पे बातें करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये पर्सन बताना चाहते हैं आपको, मुझे लगता है कि आप शायद रोज़ रोज़ मिलने की ज़िद, या फिर आज आप रोज़ रोज़ मिलना चाहते हो, बट ये पर्सन नहीं मिल सकते हैं। ये पर्सन की भी कुछ अपनी मजबूरी है, कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि मैरिड लाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपका, तो कैसे ये पर्सन रोज़ रोज़ मिलेंगे, तो नहीं मिल सकते हैं। और दिख रहा है कि पर्सन आपको वही कहना चाह रहे हैं कि यार, हम दोनों के बीच में जो भी है फीलिंग्स, जो इमोशंस, हम लोग फ़ोन पे बातें करेंगे, हम दोनों फ़ोन से हमेशा कनेक्ट रहेंगे। ये पर्सन के मन में ना आज पूरे दिन, या फिर कहे तो अभी देर रात भी ना, आपके लिए बहुत 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 अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आपके साथ रहना है, आपके साथ बातें करनी है, रिलेशनशिप को और बेहतरीन तरीके से ना एक स्ट्रैटेजी करके जो है ना सही करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी भी मर्जी जानना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी बातें भी होती हैं, टीवी सीरियल या टीवी कोई है, रियलिटी शो हो सकता है कि आप दोनों ही देखते हो, तो वो दिख रहा है कि भाई, आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा बातें करी उसके बारे में भी, कि हाँ, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये ठीक है, वो ठीक है, ये गलत है, वो गलत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना, आपके पर्सन एकदम से शांत शांत रह करके परेशान हो गए हैं। अब लगता है कि नहीं भाई, अब तो शांति ही नहीं रहेगी, अब तो मैं शांत नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। अब जो है ना, जितना मुझे बोलना होगा ना, उतना मैं बोलूँगा या बोलूँगी, ठीक है, बट मैं इस रिश्ते को ठीक करके ही रहूँगा या रहूँगी। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, ये पर्सन आपको फील कराना चाहते हैं कि मेरे फिजिकली दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे मेंटली भी दूर हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, लग रहा है जैसे कि ये कनेक्शन का फ्यूचर आपके पर्सन ने सोच लिया है कि क्या होगा, कैसे होगा। मुझे लगता है कि आप इनसे ना, जब भी खाना बनाते थे या आपके पर्सन खाना बनाती थी, ऐसा कुछ है जो मतलब बातें करते रहते थे ना कि अरे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये डालना है ना, नमक डाल दिया, इतना नमक डालो, इतना प्याज डालो, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी डिस्कशन आप लोगों की हुई है, भाई आपके पर्सन आज खाना बना रहे थे, ठीक है, दिन में, तो आपके पर्सन को वो याद आ रहा था कि उसका ऐसे कहना था, उसकी रेसिपी ये थी, ठीक है, और वो रेसिपी आज मैं बनाऊंगा बनाऊंगा, ये बनाऊंगी बनाऊंगी, वो वाला जो है ना दिख रहा है मुझे। रेसिपी पे भी बात हुई है, भाई क्या बात है आप लोगों की, मतलब अलग सी है ना फीलिंग्स। दोनों ने एक दूसरे से इतना डीपली कनेक्ट किया है ना, मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि लगता है जैसे कि लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है आपने, बहुत कुछ फेस कर लिया है,
हाँ, आप जो भी जिस भी उम्र के हो, बट आपने फेस भी किया है और आपको एक्सपीरियंस भी हुआ है कि भाई आपका क्या मतलब रिश्ते में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। हर एक तरीके की एनर्जी जो है ना मुझे दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अपनी फ़ोटोज़ या अपनी रेसिपी, अपने रूम का डेकोरेशन का फ़ोटोज़ वगैरह भी डाला है, दिया है, व्हाट्सएप किया या फिर वीडियो कॉल में दिखाई। सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि भाई आपके पर्सन तो उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज़ कर रहे हैं ना, उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं ना। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को वीडियो कॉल में बातें करना बहुत पसंद है। वीडियो कॉल में बातें करना, वीडियो कॉल में जो है ना बातें करते रहना, वीडियो कॉल में देर देर रात तक बातें करते रहना, आप लोगों के अंदर था ये। और वीडियो कॉल ऐसा लग रहा है जैसे कि वीडियो कॉल हुआ करता था ना, तो आप दोनों के बीच में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना जैसे कि वो एहसास होता था कि जैसे कि वो पास में है ना, और बहुत पास में है और दूर नहीं जाना है, दूर नहीं रहना है। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन की फीलिंग्स में, इस पर्सन के इमोशंस में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर के जो ख्याल है ना, वो ख्याल ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि ये ख्याल कभी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे ऐसे ख्याल मुझे नज़र आ रहे हैं। ख्यालों की दुनिया में ये पर्सन काफ़ी खोए खोए से नज़र आ रहे हैं और लग रहा है जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में, आप मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। आपके पर्सन के अंदर वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन अब खामोशी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये पर्सन खामोश जो है ना नहीं रहना चाहते, ये पर्सन के अंदर वो खामोशी जो है ना अब इस पर्सन को काट रही है। लग रहा है जैसे कि नहीं यार, अब मैं इस खामोशी के साथ तो कम से कम नहीं रह सकता, मैं इस खामोशी के साथ नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये खामोशी मुझे नहीं चाहिए। आपके पर्सन को खामोशी से सख्त नफरत सी हो गई है कि नहीं, अब ये खामोशी मुझे तो नहीं चाहिए, कम से कम अब मैं इस खामोशी को नहीं वो कर सकता, नहीं कंटिन्यू कर सकता, अब मैं अपनी खामोशी को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं अपनी खामोशी को एकदम से टोटली ख़त्म करना चाहता हूँ। आपके पर्सन अपनी खामोशी को टोटली दूर कर देना चाहते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ बेहतरीन हो जाए, ठीक है, और आप दोनों के बीच में बेहतर से बेहतर चीज़ें हों, बेहतर से बेहतर बातें हों। आप दोनों एक दूसरे के जब करीब आए ना, तो आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। आपके पर्सन के मन में ये है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, आप दोनों के बीच में बस प्यार होना चाहिए, प्यार प्यार प्यार, है ना। और लगता है जैसे कि दोनों का एक दूसरे का जो साथ है ना, वो ऐसा रहेगा जैसे दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोनों एक दूसरे के पास हैं। देखो, दोनों एक दूसरे से दूर किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते, दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना हमेशा रहेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, है ना। ये सॉन्ग है ना यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा एक अंदर से वो फील कर रहे हैं कि यार मैं नहीं रह सकता उससे दूर, या मैं नहीं रह सकती उससे दूर, है ना। तो ये पर्सन के मन में ये चीज़ें हो रही हैं, ये बातें चल रही हैं, मतलब ये हो रहा है, ये पर्सन को फील हो रहा है कि मैं नहीं हो सकता। ये पर्सन आपकी हर एक सांस को सुनना चाहते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं कि ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, है ना।
ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपने अपने पर्सन से डिस्कस करके रखा है। ये पर्सन से भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन आपके बारे में हमेशा सोचे, हमेशा आपको याद करे, हमेशा आपको मैनिफेस्ट करे, हमेशा जो है ना ये पर्सन का जो ख्याल है आपके दिल में दिमाग में आता रहे। आप यही चाहते हो कि पर्सन का दिल दिमाग आपकी तरफ फुल ऑन फोकस में रहे, आप दोनों का एक जो कनेक्शन है वो, मतलब होता ना कि जैसे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सब कुछ सही तरीके से रहे। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि देखो जब सुबह भी होती है ना तो आपके पर्सन को आपकी ही याद आती है। देखो लेट नाइट सोने से पहले भी आपके बारे में ही सोचते हैं ये पर्सन, और सुबह उठते भी हैं तो आपके बारे में ही सोचते हैं ये पर्सन का, मुझे ये दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको सपने में कभी कभी ये पर्सन इस तरीके से भी देखते हैं ना, जहाँ पे आप बहुत खूबसूरत से लगती हो, बहुत प्यारे या प्यारी लगती हो, और ये पर्सन जैसे ही आपको छूने जाते हैं वैसे आप गायब हो जाते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन का जो मन है ना, इस मन को आप समझे ही नहीं। कभी कभी इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है, ये पर्सन आपसे मिलने को बेचैन है, एक एक मिनट गिन रहे हैं, एक एक मिनट। ठीक है, ये पर्सन काम पे भी होते हैं ना तो वहाँ पे भी चैन नहीं आता है, सुकून नहीं आता। आज जब काम कर रहे थे ये पर्सन, तो यस ये पर्सन का ध्यान सिर्फ आपके ऊपर था, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, और ये पर्सन का ध्यान बार 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 आपके ऊपर जाता है। बार बार जो है ना लगता है जैसे कि नहीं, आपका कनेक्शन तो इनके साथ होना चाहिए, या आपका कनेक्शन तो इनके साथ ही होना चाहिए, इनके पास ही होना चाहिए। मतलब एक होता ना जैसे कि आप हैं तो फिर ये पर्सन क्यों किसी के पास जाए, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं, इस पर्सन के मन में ये ख्याल ज़रूर आता है। देखो लेट नाइट ये पर्सन सोते हैं ना, तो ये पर्सन के अंदर एक उम्मीद होती है कि चलो हो सकता है कि कल बातें हो जाएं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में बातें हो जाएं, कल परसों बातें हो, यार होगी ना, होंगी ना, होंगी ना, ये वाली बातें ना आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आप इनके एक ट्रू पर्सन हो, ट्रू मतलब पार्टनर हो, ट्रू रिलेशन में रहना है तो आपके साथ इनका जो रिलेशन है वो पक्का वाला रिश्ता है, और उस पक्के से रिश्ते को ये पर्सन कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इन एनी हाउ आपके पर्सन आपको दूर नहीं रखना चाहते हैं खुद से। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे कैंडल वैक्स में यही दिख रहा है मुझे अभी फिलहाल। अभी मैं टारो कार्ड भी करूँगी, तो इसको मैं साइड करती हूँ और टारो कार्ड की हेल्प हम लेने वाले हैं। तो टारो कार्ड की हेल्प लेते हैं क्योंकि अभी भी फीलिंग्स बाकी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है जजमेंट। आ गया ना कार्ड, अभी डीप लेवल के और कार्ड्स आएंगे। ओके, एट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स। ये सॉन्ग मुझे अचानक से चैनल हुआ, तो मे बी आपके पर्सन का कोई मैसेज हो सकता है।
एट ऑफ कप्स, जजमेंट, जस्टिस, सॉरी जस्टिस एंड पेज ऑफ कप्स, मून का कार्ड है, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। देख रहे हो ना, दिल टूट गया आपके पर्सन का, दिल टूटा है, तकलीफ में है, बहुत मिस कर रहे हैं। अभी ये पर्सन ना बहुत बहुत हाईली मिसिंग एनर्जी में है, मतलब लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे दूर जाना ही नहीं चाहते थे, बट किसी कारणवश इनको दूर जाना पड़ा आपसे। किसी कारणवश ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाह रहे थे, बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहे थे। ये पर्सन का दिल दिमाग होता है ना कि हम कभी कभी हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, आपके पर्सन किसी चीज़ को भूले नहीं हैं, किसी भी चीज़ को नहीं भूले हैं। आपके साथ कब कब ये पर्सन कहाँ गए थे, आपके साथ कब जो है इस पर्सन ने क्या किया था, ये पर्सन को हर एक चीज़ याद है, हर एक चीज़ ये पर्सन को याद है। और ये पर्सन उस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। मुझे दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना फोकस भी कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ फोकस भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बगैर इनका दिन रात कैसे गुजरा है ना, ये पर्सन के अलावा और कोई नहीं जानता है। सेक्सुअली, हाईली सेक्सुअली ये पर्सन अट्रैक्ट है, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। यस, फिजिकल इंटीमेसी आपके पर्सन की नीड आज रात की महसूस हो रही है। आज रात ये पर्सन को फिजिकल इंटीमेसी आपसे चाहिए, चाहे वो किसी हद में चाहिए, बट चाहिए। जजमेंट की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर बताती है ना कि आपके पर्सन का जो माइंड सेट है ना, वो बार 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 उन्हीं सारी चीज़ों में खींचता है। ज़्यादातर इनका जो माइंड सेट है ना, वो आपके तरफ इसी वे में आता है। लगता है जैसे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम रिश्ते को देख लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। मुझे लगता है कि जैसे कि आपके पर्सन ना अदर चीज़ों के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। लगता है जैसे कि आप इनके वो पर्सन हो ना, जिनके करीब आने के लिए इस पर्सन को दुआएं, प्रार्थनाएं, जो करना है वो करेंगे ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि ये पर्सन आपके बगैर कुछ नहीं है। आपके बगैर इस पर्सन का वजूद कुछ नहीं है, ये पर्सन कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपके बिना ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते। इस पर्सन को हर एक चीज़ समझ में आ चुका है, हर एक चीज़ ये पर्सन समझ चुके हैं कि नहीं, अब जो होगा ना उसी के साथ होगा, या जो करना है ना मुझे उसी के साथ करना है। आपके पर्सन की ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ना आपके तरफ एक होता है ना कि जैसे कि आपका इनका कनेक्शन हो गया, आपका इनका जो वाइब है वो मैच हो गया, या कह सकते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में जैसे कि आ गए है ना। तो ये जो रिश्ता है ना, अब ये रिश्ता तो कैसे भी करके ना आगे जाएगा ही जाएगा। ये पर्सन की फीलिंग्स है कि अभी रिश्ता आगे तो जाएगा ही जाएगा, तुम कुछ भी कर लो, रोक के दिखाओ। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूजन में भी हैं, काफ़ी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है मुझे, काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन कंफ्यूजन में तो हैं और कंफ्यूजिंग एनर्जी तो है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन के सामने ऐसी सिचुएशन ही आ पड़ी है जहाँ पे ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार आखिर मैं बात करूँ तो किससे करूँ, क्या करूँ, बातें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस रिश्ते की क्लैरिटी क्या होगी, कैसी होगी। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि ये पर्सन जानबूझ के भी कहा जा सकता है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन रिश्ते का पॉजिटिव साइड देखना चाहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइड ये पर्सन देखना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में चीज़ें देखना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में चीज़ें करना चाहते हैं, और सारी पॉजिटिविटी ना इनके अंदर मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी रिलेशनशिप का जो एक पॉजिटिव साइड है ना, वो पॉजिटिव साइड भी देख रहे हैं, और आपके तरफ अपना एक जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल की एनर्जी जो है ना आपके पर्सन फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि आपके पर्सन लेट नाइट जो है
सपने भी देखते हैं आपके लिए, सपने देख रहे हैं। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो हो सकता है वो ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को फ्यूचर सिक्योर करना है, इस पर्सन को फ्यूचर बनाना है आपके साथ। फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चलता रहता है आपके पर्सन का, दिल दिमाग में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं आपके पर्सन की। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि भाई आप इनके साथ होना यही बहुत बड़ी बात है, आप इनके साथ हो और ये आपके साथ है यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो ऐसा हुआ पड़ा है ना जहाँ पे अब ये पर्सन को आज की रात महसूस हो रही है कि यार आज मैंने बात नहीं किया ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आज ये पर्सन आपसे इतनी रोमांटिक बातें करना चाहते हैं, इतनी रोमांटिक बातें करना चाहते हैं ना कि कहते हैं ना कि रोमांटिक बातें करने के लिए ही ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, रोमांटिक बातें करने के लिए पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। ये पर्सन ऐसे हो चुके हैं कि यार अब जो है ना ये रोमांटिक बनना या दिखना तो होता है ना, बनता है ना, आप तो अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए पर्सन अपने कदमों को आगे बढ़ा चुके हैं, तो इतना ज़्यादा जो वाइब्स या एनर्जी है ये क्यों करना है? ये पर्सन के मन में है कि ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के एकदम क्लियर रहेंगे, ये पर्सन के मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, चाहे जो कन्फ्यूज़न हो ये पर्सन ख़त्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को बातें तो करनी है आपसे, बातें करके ये पर्सन रहेंगे, ये पर्सन रोमांटिक वे में भी आपसे बातें करना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक इमोशंस, फीलिंग्स काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि भाई आपके पर्सन तो रोमांस रोमांस रोमांस, बस आपके पर्सन को रोमांस करना आता है और बहुत अच्छे तरीके से आता है। इनके दोस्त यार भी पूछते हैं कि यार क्या बातें करें, तुम बताओ ना मुझे क्या बातें करें, क्या है बताओ ना मुझे, बताओ ना मुझे। तो ये लोगों को बताते भी हैं कि हाँ यार ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो ऐसे हैं आपके पर्सन, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में भी हैं, आपके पर्सन के मन की जो एनर्जी है ना, दिल की जो एनर्जी है ना, काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई आपके पर्सन अपनी सिचुएशन से कहीं ना कहीं अपने आप को ना, एक होता नहीं जैसे कि सिचुएशन से कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सिचुएशन में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सिचुएशन ठीक है, अच्छी है, अच्छी होगी, ये पर्सन ये फीलिंग्स के साथ जो है ना आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है जैसे कि चलो ठीक है, देखते हैं फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये पर्सन श्योर नहीं है कि पर्सन का फ्यूचर बनेगा आपके साथ कि नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये पर्सन ये ज़रूर है कि ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर मूव ऑन करेंगे और क्या। ये पर्सन आपके तरफ आना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि देखना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। अभी फ़िलहाल काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं हुई या काफ़ी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं, तो वो डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए आपके पर्सन आना चाह रहे हैं। देखो मन में कोई गीला शिकवा रहा ना तो फिर ये रिश्ता नहीं चल पाता है, फिर ये रिश्ते में वो चीज़ें नहीं हो पाती जो आप करना चाहते हो, एग्जैक्टली जो करना चाहते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन को मैनेज करना है, आपके पर्सन को आगे लेके जाना है। यस, आपके पर्सन आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, ना आपके साथ कुछ गलत होने देना चाहते हैं। मुझे तो काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई नहीं, अब गलत चीज़ें नहीं करनी है और ना ही होने देना है, क्योंकि मुझे दिखता है कि ये रिश्ता इतना ज़्यादा सुंदर सा होगा, इतना ज़्यादा क्लियर सा होगा कि इस रिश्ते को जानने के लिए, समझने के लिए, फील करने के लिए जिगरा होना चाहिए, अंदर से जिगरा होना चाहिए कि मैं इस रिश्ते को ठीक करके रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी होनी चाहिए आपके पर्सन के मन में है, आपके पर्सन के दिल में है, दिमाग में है कि ये रिश्ता कैसे भी करके ना मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। नेक्स्ट लेवल सोच रहे हो ना, नेक्स्ट एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कुछ भी कर लो लेकिन ये रिश्ता होना चाहिए, ज़रूरी है। इस रिश्ते की जो एक खूबसूरती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ये पर्सन को ना बातें ये भी करनी है कि आपके आपके मन में जो डर है, या आप जिस डर से अपने आप को इस पर्सन के साथ रिश्ते में नहीं लेके आ पा रहे थे, वो डर आप खत्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत रोमांटिक हो रहे हैं और बहुत टाइम से आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं, बहुत टाइम से आपके ऊपर नज़रें हैं, समझ रहे हो ना, आपके ऊपर नजरें इस पर्सन की जमा के बैठे हैं ये पर्सन, कि तुम्हें तो मैं जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो या मेरे हो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत प्यार से, बहुत फीलिंग्स के साथ, बहुत इमोशंस पे
मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को डील करना चाहते हैं, रिश्ते को फील करना चाहते हैं। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के ना, वो होता नहीं कि चीज़ों को लेकर के सोच नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो ऐसा ही हुआ है कि मतलब डर सा हो गया है कि भाई क्या होगा, अब क्या होगा। हालांकि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, इस रिश्ते के कंटिन्यू बने रहने के लिए पर्सन जो हो सकता है वो करेंगे। मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दिखाई दे रही है, मिलने का चाहत मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मिलने का मन है, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम। यस, आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी ही हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, मिलने की चाहत में है आपके पर्सन, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, कुछ और क्या देखेंगे, देखेंगे कि ये पर्सन कब तक आएंगे, कब तक आखिर ये पर्सन आएंगे, है ना। तो देख लेते हैं, डिवाइन प्लीज हमें बताएं कब तक मेरे व्यूवर्स के पर्सन आएंगे, कब तक मेरे व्यूवर्स के पर्सन आएंगे इनके पास। हायरोफैंट, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वांड्स, यहाँ है मेरे पास थ्री ऑफ कप्स, अगेन टू ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सन, वेरी नाइस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ क्या बात है, क्लियरली दिख गया। टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन थोड़ा सा जगल कर रहे हैं। मुझे लगता है ना कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी कुछ तो है प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। थर्ड पार्टी का मतलब यही है कि आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके से थर्ड पार्टी इश्यूज में, थर्ड पार्टी रिश्ते में, थर्ड पार्टी चीज़ों में ये पर्सन फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी इतनी मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में इस तरीके से इन्वॉल्व है जहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, निकाल ही नहीं सकते आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, मुझे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं ना, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार क्या थर्ड पार्टी क्या कर लेगी, ठीक है। थर्ड पार्टी के अंदर ये भी हो रहा है कि मतलब थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को थोड़ी सी है प्रॉब्लम, थोड़े से हैं इश्यूज, बट क्या करे ये पर्सन, कैसे करे ये पर्सन, आप ही बताओ ये पर्सन कैसे करे, क्या करे। क्योंकि लग रहा है कि आपके पर्सन को ना, वो एक होता है ना जैसे कि एनजाइटी या स्ट्रेस आपके पार्टनर को होता रहता है, आपके पार्टनर इस चीज़ से काफ़ी परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन परेशान है, परेशान ये पर्सन रहते हैं, मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के मन में ना वो परेशानी, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का हायरोफेंट की एनर्जी, यस, ये पर्सन शादी को लेकर के भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, मैं देख पा रही हूँ शादी को लेकर के भी परेशानी आ रही है आपके पर्सन के अंदर। शादी नहीं हो पाना, शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का आना, ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। शादी नहीं हो पा रही है या नहीं हो सकती है ये सोच के भी अंदर से एनजाइटी स्ट्रेस फील होना, ये लगता है जैसे कि क्या होगा अब, ठीक है, क्या होगा अब, कैसे होगा अब। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में थोड़ा सा जो एक होता है ना कि ये लग रहा है जैसे कि अब जो है ना इस रिश्ते की वो बात आगे बढ़ाने की होनी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि कोई इनकी
कोई है थर्ड पार्टी रिश्ते में, कोई है थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो कि आपके पर्सन को परेशान कर रहा है या कर रही है, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के भी थोड़ा सा डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी डर सी एनर्जी दिखाई दे रही है, डरते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, और लग रहा है ना कि पता नहीं आप इनको समझोगे कि नहीं समझोगे, क्योंकि खुद को ना आपके लायक ये पर्सन समझते नहीं हैं, खुद को आपके लायक बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। इनको लगता है कि नहीं यार, ये शायद आपके लायक नहीं है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को ना बहुत अकेलापन में फील कर रहे हैं, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई ये पर्सन पूरी तरीके से टूट चुके हैं, कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, क्यों कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, आखिर क्या है, आखिर क्यों है ये, आखिर क्लैरिटी क्यों नहीं है आपके पर्सन के मन में। तो ये है ना कि क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, वो क्लैरिटी क्यों नहीं है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि आखिर मेरा मन मेरा दिल क्या चाहता है, मेरा मन मेरा दिल क्या आखिर चाहता है जिससे मैं परेशान हूँ, जिससे मैं अंदर ही अंदर खामोश हूँ, आखिर क्यों। काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इस पर्सन को ना इस रिश्ते में ना वो प्यार वो मोहब्बत तो चाहिए, साथ ही साथ ये पर्सन को ये भी चाहिए कि ये पर्सन आपके तरफ बिना हिचकिचाए या बिना कुछ डरे आपके तरफ आ पाए। यस, आपके पर्सन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ खुशी अपना सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ही खुशियाँ इनकी जो है ना जुड़ी हैं, तो आपके साथ ही इनको खुशियाँ होनी भी चाहिए, है ना। तो आपके साथ ये पर्सन खुश रहना चाहते हैं, और आपके साथ ये पर्सन खुश इसलिए भी रहना चाहते हैं ना कि लगता है जैसे कि आपकी और इनकी खुशी जो है ना एक दूसरे के साथ है, ठीक है, एक दूसरे को लेकर के है, और टाइम पीरियड ज़रूर चेंज होगा, एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को फील करेंगे, ठीक है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पर्सन के मन में है वो करीब आना, वो करीब सा रिश्ता फील करना आपके पर्सन के मन में तो है। दिख रहा है कि ये पर्सन सन की एनर्जी में है, ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे ही समय बदलेगा ना वैसे ही सारी चीज़ें बदल जाएंगी, और हम दोनों का हो सकता है कि रिश्ता पक्का हो जाए या शादी हो जाए। शादी के भी चांसेस आपके पर्सन के मुझे नज़र आ रहे हैं, शादी करने की चाहत भी आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। शादी करनी है आपके पर्सन को, समझ रहे हो ना, शादी करनी है आपके पर्सन को आपसे। काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पर्सन को आपसे शादी करनी है, तो इस पर्सन को उतना एफर्ट्स उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना ये पर्सन नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं उतना जितना ये पर्सन को करना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो ये पर्सन आपसे दूर क्यों जाए, ठीक, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो ये पर्सन दूर क्यों जाए, आखिर दूर तो किसी और को जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को अब जो है ना दूरी बर्दाश्त नहीं करनी है, अब जो है अब आपका साथ चाहिए बस, अब कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं चाहिए आपके पर्सन को। दिख रहा है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके ये रिश्ता जो है ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं आपके पर्सन, नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। ये वाइब, ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, दिल है ना, वो धड़कता है तो आपके लिए ही धड़कता है। तो ये ओवरऑल रीडिंग में ना मुझे यही फील हो रहा है आपके कार्ड्स में। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, टारो प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग भी चाहते हैं ना अपनी एकदम एक्यूरेट
प्रिडिक्शन, यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।